मार्च में जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा साल भर में सबसे ज्यादा रहा। इस कलेक्शन की बूते और खर्च में कमी के चलते सरकार ने वित्तीय घाटे को काबू से बाहर नहीं होने दिया। सरकार ने बजट में जीडीपी के 3.4% के बराबर वित्तीय घाटे को रोकने का लक्ष्य तय किया था। जीएसटी जब लॉन्च हुआ था तब भी मैंने तमाम जगह यही बात कही थी कि सरकार को इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब पिछले कुछ महीनों में सरकार ने बिजनेसमैन के इश्यूज को, ट्रेडर्स की प्रॉब्लम्स को समझा है और उसी हिसाब से कई तरह की सिंप्लीफिकेशंस की हैं, रेगुलेशंस को रिलैक्स किया है, रूल्स और प्रोसीजर्स को आसान बनाया है। तो कहीं ना कहीं व्यापारी भाइयों को इसके साथ जोड़ने का एक मौका सरकार को मिला है, एक ऐसी एटमॉस्फेयर बना है कि सिंप्लीफिकेशन के कारण व्यापारी भाई जुड़ रहे हैं इसके साथ। सरकार के जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2017 में जीएसटी लागू किए जाने के बाद इस साल मार्च में जीएसटी कलेक्शन सबसे ज्यादा 1.07 लाख करोड़ रुपए रहा। अप्रैल 2018 से मार्च 2019 में सरकार को बतौर जीएसटी कलेक्शन 11,77,000 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं। अंतरिम बजट में जीएसटी का लक्ष्य घटाकर 11,47,000 करोड़ रुपए कर दिया गया था। इस हिसाब से तो सरकार लक्ष्य को पार करने में कामयाब हो गई है। बीते साल कई बार जीएसटी की दरों में कमी भी की गई थी। जाहिर है अगर ये कमी ना की गई होती तो जीएसटी कलेक्शन और ज्यादा हो सकता था। व्यापारी भाइयों की बात करें, वो भी एक नए रेगुलेशन, एक नए एनवायरनमेंट के साथ एक्लिमेटाइज होने में उन्हें समय लगा है। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि वक्त के साथ चीजें सेटल हुई हैं जीएसटी को लेके, और जो सरकार ने चीजों को समझ के फेरबदल किए हैं उसके चलते इतनी अच्छी कलेक्शंस आई हैं। ना सिर्फ अभी इतनी अच्छी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमंदिर.इन का मानना है कि अगला पूरा साल भी जीएसटी की कलेक्शंस अच्छी रहने की संभावना है। जीएसटी कलेक्शन के अंतरिम बजट के लक्ष्य से पार जाने पर डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन में कमी की कुछ हद तक भरपाई करने में मदद मिलेगी। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 11,50,000 करोड़ रुपए के बजटीय अनुमान के आसपास रह सकता है। हालांकि सरकार ने बाद में से बढ़ाकर 12,00,000 करोड़ कर दिया था और उस लक्ष्य के हिसाब से 60,000 करोड़ रुपए तक कम रह सकता है। इसमें मार्च के आखिरी में अपनाए जाने वाले टैक्स डिपार्टमेंट की योजना से मदद मिलेगी। टैक्स अधिकारियों ने सरकारी बैंकों से कहा था कि वे अप्रैल के बजाय मार्च में ही TDS जमा करें। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी कलेक्शंस में बढ़ोतरी से मैन्युफैक्चरिंग और खपत में बढ़ोतरी का पता चल रहा है।